इसको खोल रहे हैं कि ये देखिए, ये जो प्रोटेक्शन वॉल ऐसी है कि जो खुद ही प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर मकान गिर गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? अभी अभी आपको आपको कोई उम्मीद है उसके अलावा, कोई किसी और के पास गए आप कि हमारे हमारा ही माध्यम आपको? सर मैंने अब उम्मीद अपनी छोड़ दी है, मैंने ये छोड़ दिया। मेरे पास जब मेरी सुनवाई नहीं है, सुनता ही नहीं है कोई। जिनको बोलते हैं हाँ दे देंगे, ऑफिसरों से गुजारिश की कि भाई मेरे मकान को बचाओ, मेरा मकान गिर रहा है इधर, रास्ते की वजह से चला जाएगा नीचे, मुझे कौन देगा? मगर मेरी सुनवाई किसी ने नहीं की। म्यूनसिपल कमेटी में जाता हूँ तो वो पावर आज है R&B वालों के पास, R&B वाले कहते हैं म्यूनसिपलिटी में जाओ। बोलो नहीं, सिर्फ दिखाओ। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ मेरे इस रास्ते। तो आप देख सकते हो कि भाई ये कौन सी प्रोटेक्शन वाल है, जिसमें कि भाई ये देखो पीछे से बिल्कुल खाली है। ये भी नहीं है घर जो बना है, ये बना है, ये मेरे बाप के वक्त का बना था, एक छत बना था, उसके बाद मैंने ऊपर से और बनाया, जो कहीं ना कहीं शर्मसार भी करेगी और हैरान भी कर देगी। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल, मैं हूँ सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं दर्बन रिपोर्ट्स। दर्बन रिपोर्ट्स में आज भद्रवाह की एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं शर्मसार भी करेगी और हैरान भी कर देगी। आप जानते हैं कि एक सफाई कर्मचारी जो म्यूनसिपलिटी के अंदर काम करता है वो कितनी मेहनत से काम करता है, यानी कि गंदगी को जो है, अहम जो लोग गंदगी करते हैं वो उसकी सफाई जो है करता है और पैसे कमाने की कोशिश करता है। और कितना पैसा है डेली वेजर्स को, कितना उसमें पैसा है, एक परमानेंट कितना पैसा कमाता है वो आप सभी जानते हैं। कितनी मेहनत का काम है और उससे पैसा कमा कर एक घर जो है वो ज़िंदगी में बनाता है, जो कि हर एक का सपना होता है कि वो अपना एक घर बनाए। तो यहाँ पर एक शख्स हमारे साथ में है जो म्यूनसिपलिटी भद्रवाह के अंदर काम करते हैं। क्या नाम है आपका? निसार अहमद जी इनका नाम है। और निसार अहमद जी का घर दिखाइए, ये घर है उनका और ये घर जो है उन्होंने अपनी लोन भी निकाला है और अपनी मेहनत की पूंजी का जो है ये घर बनाया है। और प्रॉब्लम क्या है वो भी हम आपको बताएंगे और हैरान क्या बात करती है वो आपको जो है दिखाएंगे। आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये रास्ता कब का है, आपने घर कब बनाया यहाँ पर और क्या थी बात? सर ये घर जो बना है, ये बना है, ये मेरे बाप के वक्त का बना था, एक छत बना था, उसके बाद मैंने ऊपर से और बनाया थोड़ा सा, अपना लोन भी लिया, थोड़ा सा मेहनत करके भी पैसा लगाया इस पर। मगर मैं इस रास्ते की वजह से परेशान हूँ कि भाई इस रास्ते में एक पत्थर बड़ा था जो कि नीचे निकल गया, उसके बाद थोड़ी सी प्रोटेक्शन दी सरकार ने, वो भी 2 मीटर की 2.5 मीटर लगा है, उसके बाद जनाब खतरा ऐसा ही मुझे अभी भी है जैसा ये पत्थर निकल गया था। तो अब मैंने बहुत लोगों से, बहुत इन ऑफिसरों से गुजारिश की कि भाई मेरे मकान को बचाओ, मेरा मकान गिर रहा है इधर, रास्ते की वजह से चला जाएगा नीचे, मुझे कौन देगा? मगर मेरी सुनवाई किसी ने नहीं की। म्यूनसिपल कमेटी में जाता हूँ तो वो पावर आज है R&B वालों के पास, R&B वाले कहते हैं म्यूनसिपलिटी में जाओ। 2-3 बार आके इधर पैमाश उन्होंने ली, अब 2 साल हो गए कि अब इधर कोई काम नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। कल को ये जो पहले काम हुआ था प्रोटेक्शन वाला, कितने समय पहले हुआ था ये? मेरे से ख्याल में कोई एक साल से पहले हो गया। एक साल हो गया। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स भी जो है टाउन में चलाए जाते हैं, माई टाउन माई प्राइड, उसके अलावा भी बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, क्या उनमें आपने नहीं अपना काम लगाया कि ऐसा काम? सर मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत बताया उनको, मेरी कुछ किसी ने सुनी नहीं। गरीब की सुनवाई नहीं है इस ज़माने में, सुनवाई उसी की है अगर कोई बड़े आदमी का घर के आगे कुछ हो जाएगा, उनकी गलियाँ बनती हैं, उनके प्रोटेक्शन वॉल लगते हैं। लेकिन हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत सुनवाई, किसी ने मेरी नहीं सुनी। तो देखा आपने कि
एक गरीब शख्स की यही आवाज़ है कि मेरे को सिर्फ घर के बाहर प्रोटेक्शन वॉल दी जाए, इतनी सी मांग है। ना कोई एरोप्लेन का अड्डा जो है मांगा जा रहा है, ना किसी रेलवे स्टेशन की जो है गाड़ी मांगी जा रही है, सिर्फ इतना मांगा जा रहा है कि प्रोटेक्शन, मेरा घर है, मेहनत की है, मेहनत से कमाया हुआ है, उसके साथ में एक प्रोटेक्शन वॉल जो है दी जाए। प्रोटेक्शन वॉल जो पहले ही दी गई थी यहाँ पर, कितना पैसा था उसमें? सर ये मुझे पता नहीं कितना पैसा था, उन्होंने आधा ये छोड़ दिया, बोलने लगे हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया। मैं आपको थोड़ा सा आपको इतना दिखा सकूँगा कि भाई इसमें जो पीछे से खड्डा है, खड्डा कितना बड़ा है, थोड़ा सा कैमरा उधर अगर लगाएंगे तो आप देख सकते हो कि भाई ये कौन सी प्रोटेक्शन वॉल है, जिसमें कि भाई ये देखो पीछे से बिल्कुल खाली है, ये भी नहीं भरा उन्होंने। मैंने कहा इसको तो भर दो, इसको थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा। बोलते नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, ये खड्डा भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं, तो काम क्यों लगाया था? फिर जाने देते, मकान को ही जाने देते। जब मैं कहीं जाता टेंट के नीचे बैठ जाता, लेकिन मैं तो मौके पे आपने मौके पे कोई नहीं आया यहाँ पे? नहीं सर, इधर कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। ये हालत नहीं देखी आपने जो शिकायत की? इधर थे रिटायर, वो क्या नाम है, वो जेई थे जनाब परवेज साहब, परवेज साहब यहाँ के थे, वो रिटायर जेई अब आ गए, लेकिन रिटायर होते होते भी उसने मेरा काम नहीं किया। मैंने बहुत उनसे गुजारिश की, मैंने कहा मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ाओ, अगर आप 2 फुट 4 फुट ऊपर चढ़ाओगे मैं 2 फुट मैं भी चढ़ा सकता हूँ, फिर अपना पत्थर डालूँगा, अपने सीमेंट लगाऊँगा तो थोड़ा मैं भी इसको करूँगा, लेकिन मेरा किसने सुना नहीं। बहुत सारा जो है पैसा आ रहा है डेवलपमेंट के लिए, भदरवाह के टाउन के डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारा सरकार जो है ये दावा करती है कि हम बहुत सारा डेवलपमेंट को लेकर, चाहे अर्बन हो रूरल हो, हर जगह पे जो है डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए जाते, तो यहाँ पर क्यों नहीं प्रोटेक्शन? और यहाँ पर सिर्फ ये आप ही का घर है, कहीं और भी घर हैं बहुत सारे? सर हम इधर 2 ही घर थे, एक ये रास्ता सिर्फ 2 घर, ये मोहम्मद अयूब है और इधर से मैं निसार अहमद हूँ। ये रास्ता जाता था सीधे आगे इधर, और भी उस रास्ते से मिलता था, लेकिन अब ये तो चला गया, अब कौन बनाएगा इसको, कौन? इसलिए भी तो नहीं है कि सिर्फ 2 ही घर हैं तो नहीं, इसलिए नहीं, 2 घरों के सवाल नहीं है, लेकिन ये इसको आमदरफ्त चलती थी, जब से ये चला गया तो तब से कोई इधर आता भी नहीं है। अच्छा, तो मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत उनको बोला कि भाई मेरी प्रोटेक्शन वॉल दे दो, मेरा मकान खतरे में है, अगर मकान गिर गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। अभी आपको कोई उम्मीद है उसके अलावा, कोई किसी और के पास गए आप कि हमारा ही माध्यम आपको? सर मैंने अब उम्मीद अपनी छोड़ दी है, मैंने ये छोड़ दिया, मेरे पास जब मेरी सुनवाई नहीं है, सुनता ही नहीं है कोई, जिनको बोलते हैं हाँ दे देंगे देता कोई नहीं है। तो अभी मीडिया के माध्यम से आपको थोड़ी उम्मीद? मैं आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भाई आप हमारे साथ इधर आए, आपने ये हमारी बात आगे तक पहुँचाएँगे, हमें यही उम्मीद है कि भाई आप अगर कुछ करेंगे तो हो सकता है इनके कान खुल जाएं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि भाई मेरी ये प्रोटेक्शन वाला लगे। चलिए, तो आप जानते हैं कि भगत सिंह ये कहा करते थे कि बैरों को सुनाने के लिए जो है धमाका करना पड़ता है, तो हम धमाका तो नहीं, हम आँखें खोलने का काम करते हैं, और वो आँखें जो है हम अपने इस कैमरे के माध्यम से जो है वो खोल रहे हैं कि ये देखिए, ये जो प्रोटेक्शन वॉल ऐसी है कि जो खुद ही प्रोटेक्टेड नहीं है, यानी कि पीछे से भी खाली है, इसमें इतना सारा पानी, अगर थोड़ा सा फ्लड आएगा, अगर इस नाले में अगर फ्लड चढ़ेगा तो इसको बह के ले जाएगा, क्योंकि इसका खुद की इसको प्रोटेक्शन नहीं है, जो ये यहाँ से वॉल जो है लगाई गई है इसकी खुद की प्रोटेक्शन नहीं है, ये क्या ही जो है प्रोटेक्शन यहाँ पर करेगी, इनके घर की प्रोटेक्शन करेगी। तो देख सकते कि हालात जो है वो यहाँ की कैसी है, कि सिर्फ आधा अधूरा काम छोड़ा हुआ है, और इनका कहने के मुताबिक ये था कि यहाँ पर जिसने काम किया उसने कहा कि पैसा इतना ही था इसीलिए मैंने इतना ही काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पैसा पूरा काम यहाँ पर नहीं था करने का तो आप वो ठेका ही नहीं लेते, आप कहते कि नहीं मैं वो काम नहीं करूँगा, सिर्फ पैसे के लिए ही काम नहीं किया जाता, अगर वो काम नहीं किया जा सकता था तो आप वो टेंडर ही नहीं लेते, क्योंकि टेंडरिंग का मसला है आजकल, तो आप टेंडर तभी ही लें जब वो काम पूरा का पूरा हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑन पेपर शायद इसका टेंडर करके जो है पैसा भी निकाल दिया हो, सब कुछ चीज़ें हो गई हैं, लेकिन रियलिटी जो है हमने आपको दिखाई, और कहीं ना कहीं ये आवाज़ हमारे माध्यम से जो है ये लगा रहे हैं कि उम्मीद जो है वो हमारे ऊपर है कि सरकार
जो है कुछ ना कुछ करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ना कुछ करेगी, और मुझे भी उम्मीद है कि उनकी आंखें हमने खोली हैं तो उनकी आंखें ही खुली हैं, सिर्फ आंखें ही खोलना नहीं, अब उनको जो है हाथ भी चलाना पड़ेगा और हाथ चलाकर यहाँ पर कोई कार्रवाई करें ताकि यहाँ पर जो है वो काम हो। और ये वार्ड कौन सा है? सात वार्ड नंबर है ये। वार्ड नंबर 7 है और म्यूनसिपलिटी भद्रवाह के अंदर ही पड़ता है, म्यूनसिपलिटी में पड़ता है ये। बिल्कुल, तो आपने सुना, अगर ये डीसी साहब जो है ये वीडियो देख रहे हो, मुझे उम्मीद है कि वो भी हमारी वीडियोस देखते हैं और ये वीडियो भी वो देख रहे हैं, तो ज़रूर ऐसे शख्स का जो है काम होना चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए ताकि किसी का जो मेहनत किया हुआ जो घर है वो जो है गिरे ना, और फिर हम बाद में तो पहुँच जाते हैं वहाँ पर लेकिन क्या फ़ायदा। इसीलिए जो है कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन यहाँ पर होनी चाहिए और सही तरीके से काम होना चाहिए ताकि अगली बार हम जब आएँ तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ भी करें, क्योंकि हमने देखा है कि काम होते भी हैं और वो काम हम दिखाते भी हैं। जब काम होगा तो ये भी खुश होंगे और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर यानी कि इसी डीसी डोडा के अंदर ये काम हुआ वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि काम यहाँ पर हो जाएगा और अगली बार हम खुशखबरी जो है आपको सुनाएं। देखते रहे दारबन रिपोर्ट, बने रहे दारबन रिपोर्ट के साथ। और यही मेरा नया पता है, यानी कि सुलिंदर परिहार का नया पता द अर्बन रिपोर्ट है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, द अर्बन रिपोर्ट को फॉलो करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हमारे सुलिंदर परिहार जो हैं काफी अच्छे से इसको चला रहे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से इसको फॉलो करें। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि आप द अर्बन रिपोर्ट को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर से ही इसके फॉलोवर बढ़ेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। गाइस कैसे हैं आप, सब ठीक होंगे? दर्पण रिपोर्ट्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारे सुलिंदर परिहार को अच्छे से अच्छे बार कमेंट करें।